बजे जेई मेन 2024 फेज वन का रिजल्ट पब्लिश हुआ और अभी तक का जो रिजल्ट का कंपाइलेशन है उसमें हमारा रिजल्ट वंस अगेन फैबुलस है, आउटस्टैंडिंग है, सुपर्ब है। अगर मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात करूं जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू, चंडीगढ़ इंक्लूडिंग ये सारे स्टेट्स और यूटी आते हैं, उसमें 30 स्टूडेंट ऐसा है जिसने किसी न किसी सब्जेक्ट में 100% टाइल स्कोर किया है, 30+ स्टूडेंट। और मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की अभी बात बता रहा हूँ। ऑल इंडिया में हमारे पास एक बच्चा है ऋषि शेखर, जिसका परफेक्ट स्कोर 300 में 300 आया है, 100% इन ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ इटसेल्फ 99% में 31 स्टूडेंट हैं, जिसमें 100% सब्जेक्ट वाइज 5 बच्चे हैं हमारे पास, जसन है, उज्जवल है, अर्जुन है, शुभम है, दीपांशु है, और व्योम है जो पंचकुला से हैं, उन्होंने सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया है। हमारे पास अंबाला से भी टॉपर स्टूडेंट आए हैं, मैं आपको इंटरेक्ट कराऊंगा। और तो अभी तक का जो हमारा रिजल्ट है, अभी जो आपको हमने प्रेस मीट दिया है, हम आपको मेल करेंगे, उसमें कई अपडेशन है जिसमें 100% बच्चे आ गए हैं, तो वो एक अपडेटेड आपको जो प्रेस ये रिलीज जाएगी उसी हिसाब से आप उसका कवरेज करेंगे। तो अभी तक का रिजल्ट तो यही है, बाकी कंपाइलेशन हमारा चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला के टॉपर्स स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने 99% स्कोर किया है। मैं इसके लिए जो पहला कॉन्ग्रेचुलेशन है मैं बच्चों को देना चाहूँगा, जो फर्स्ट बधाई है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, हमारी बात सुनते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस एज में पेरेंट और टीचर की बात सुनते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, और बहुत हार्डवर्क किया है बच्चों ने। सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मैं बधाई पेरेंट्स को दूंगा, पेरेंट्स के लिए, आप सब भी पेरेंट हैं, मैं भी पेरेंट हूँ। इतना आसान नहीं होता कि आज के डेट में इतने डिसरप्टिव सोशल मीडिया के जमाना में बच्चों को एक जो सही डायरेक्शन में ले जाना, इतना आसान टास्क नहीं होता पेरेंट के लिए। तो मैं पेरेंट को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और एबव ऑल इंटायर आकाशियंस, हमारे मेंटोर्स, फैकल्टीज, एकेडमिक हेड्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स, जितने भी हमारे स्टाफ हैं इंक्लूडिंग एकेडमिशियन एंड नॉन एकेडमिशियन, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बच्चे को पूरे साल, मतलब 2 साल, हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो करीब 4 साल से हमारे पास पढ़ रहे हैं, इस ड्यूरेशन में अच्छी मेंटोरशिप देना, अच्छे गाइडेंस देना और उनको मोटिवेट करके रखना, एंड परफॉर्मेंस फाइनली एक्सट्रैक्ट कर लेना। इंटायर आकाशियन को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये जितना भी ब्रीफ मैंने आपको दिया वो अभी तक का ब्रीफ है, और जैसे जैसे रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं, और आप जानेंगे हमारे कई ऐसे मेडिकल के भी बच्चे हैं जिन्होंने जेई में, इंजीनियरिंग में, सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया है। और इसमें जो मेडिकल के बच्चे हैं हमारे पास, अर्जुन है और शुभम है, अर्जुन, दीपांशु एंड शुभम, बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। मैं सबको वंस अगेन बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। अभी तक का ब्रीफ यही था। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज, ये बता दीजिए। देखिए, परसेंट अगर मान लीजिए आप 100 में कोई टॉपर बच्चा, सपोज करिए 100 में 80 स्कोर किया, आप उसको 80% बोलते हैं। अब अगर टॉपर ने 80 स्कोर किया, उसको क्राइटेरिया मान के दूसरे के रिस्पेक्ट में और जो बच्चे का स्कोर आएगा, परहैप्स वी आर डिफाइनिंग परसेंटाइल। तो परसेंटाइल टॉपर के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, परसेंटेज जो आप फिक्स करते हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है।
Am I right? आपके यहाँ से कितने बच्चे टॉप किए हैं? ये 300 आउट ऑफ 300 दिखा रहा है मैंने, ये है कुछ ऐसा? 300 देखिए, ये तो परफेक्ट स्कोर है, बच्चे सारे हार्डवर्क करते हैं, इसमें किसी का कम किसी का ज़्यादा। अपने पास 286 अम्बाला से हैं बच्चे, भिवानी से 286 स्कोर किया है, ये बच्चा 300 में 300, 300 आउट ऑफ 300 एक बच्चों ने स्कोर किया, एक बच्चे ने। हाँ है यहाँ पे वो ऋषि? नहीं, यहाँ नहीं। और कौन कौन से यहाँ टॉपर? और मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूँ। इसमें रैंक नहीं आती, फेज टू के बाद रैंक। सब आ जाओ सर, आगे आइए। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इसमें इनका एक पिक्चर ग्रुप फोटो इसके बाद करेंगे ना, तभी बच्चे एक एक करके बोल रहे हैं। कांग्रेचुलेशन बेटा, इसका भी केमिस्ट्री ओलंपियाड क्वालिफाइड है, बधाई हो बेटा। थैंक यू। आइए, क्या नाम है आपका? क्रिस सिंह। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर चंडीगढ़, पंचकुला और अंबाला के टॉपर आ जाए। टाइलर हैं अभी, और किसी ने किसी सब्जेक्ट में 100% टाइल भी कुछ बच्चों ने किया जो शुरू में। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। वेल डन। ठीक है, ओके। आइए, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। प्रियांशु का 99.56%। मेरा नाम हार्दिक अग्रवाल है, मैं आकाश के अंबाला सिटी ब्रांच में पढ़ता था। अभी हमारा जी मेंस 2024 एग्जामिनेशन हुआ था, तो उससे मेरी ओवरऑल परसेंटाइल 99.9935 आई थी, और मेरी मैथ्स में 100% आई थी। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है हार्दिक? ऑन एन एवरेज मेरे स्टडी आवर्स 8 आवर्स पर डे रहते थे। यस सर। और कौन से बुक्स आपने फॉलो करी? आकाश के खुद नोट्स थे या कोई और? हमारे टीचर जो नोट्स दिखाते थे बहुत ही बढ़िया होते थे, सफिशिएंट होते थे थ्योरी पर्पस के लिए, प्लस जो हमें मॉड्यूल्स मिलती थी आकाश की तरफ से, अकॉर्डिंग टू मी एकदम सफिशिएंट है। इसके अलावा हमें किसी और पब्लिशर की एक्स्ट्रा बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बढ़िया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नोट्स बनाते थे कुछ? हाँ जी। तरीका ऐसा बताओ जिससे अगले बच्चे जो आपको देख रहे हैं, जिनका एस्पिरेशन है, जो शायद आकाश आते हैं या नहीं आते हैं, वो कैसे इतना परसेंटाइज ले सकें? मेरा सजेशन ये है कि जो टीचर्स पढ़ाएं, पहली बात तो आप सब कुछ कॉपी में अपनी नोट डाउन करें, कुछ भी ऐसा मत सोचें कि मेरे को याद रहेगा तो मैं इसे कॉपी में नहीं लिखता। अपने कंप्लीट नोट्स रखें, और जो भी आप टेस्ट दें उसका एरर एनालिसिस हमेशा करें। जब तक एरर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं।